कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, ये 16 घंटा चल रहे हैं। ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतोंडे साहब, इस दुनिया में बिगड़ा रहना बहुत जरूरी है। जो सुधर गया वो गया ऊपर, मालूम? क्या कहना चाहता है तुम, क्या कहना चाहता है? ये वो लोग मेरे मौत का दिन मुकर्रर किया है, लेकिन मुझको मालूम है कि वो कौन सा वक्त मुकर्रर किया है। ए, ए लगो, आज शाम 6 बजे मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट इंग्लिश बोलता है। आज खुश तो बहुत होगी तुम, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाए, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होगी तुम, बहुत खुश होगी कि मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े थे उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर खिस गया, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है और यह तुम्हारी हार है। हां, यह तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा जुर्म, कौन सा पाप किया उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं? यह किस जुर्म की सजा दी जा रही उसे? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागिन होते हुए भी विधवा बनी रही, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं, जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो, मेरी मां मुझे वापस दे दो, मेरी